हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के 7 नंबर वीडियो है। आज के इस क्लास में आप जानेंगे रिक्तियां किसे कहते हैं, रिक्तियां कितने प्रकार की होती है और सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या और यौगिक का, किसी भी यौगिक का हम लोग सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आज के इस टॉपिक की जो है शुरुआत हम लोग मेन टॉपिक रिक्तियां से करते हैं। रिक्तियां मीन्स अगर अपने भाषा में बोला जाए तो खाली स्थान होता है। जैसे इंग्लिश में जो है वॉइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बोलेंगे सर कि डेफिनेशन दीजिए रिक्तियां किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल के जो गोला होता है उसको जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं उसके बीच में जो खाली स्थान उत्पन्न होता है उसी खाली स्थान को हम लोग रिक्ति कहते हैं। बात फिर से समझिएगा, क्रिस्टल के गोलों को परस्पर जोड़ने से उनके बीच जो रिक्त स्थान की उत्पत्ति होती है उसे ही हम लोग रिक्तियां कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे ये जो है गोला है, आप देख रहे हैं ना, गोला है ये सब। इस सब गोला को जो है हम लोग सजाए हैं और जब सजाए हैं तो यहाँ पे देखिए बीच में खाली स्थान जो है बन गया है, इसी खाली स्थान को हम लोग रिक्ति कहते हैं। आइए एक और समझाते हैं। हमने एक गोला लिया, इसको जो है हमने ऐसे सटा सटा कर सजा दिया। तो देखिए तो इसके बीच में यहाँ पर जो है एक रिक्त स्थान बना है, इसी रिक्त स्थान को हम लोग कहेंगे रिक्तियाँ। यानी क्रिस्टल के गोलों को परस्पर सटाने से उनके बीच जो खाली स्थान की उत्पत्ति होती है उसे ही हम लोग रिक्तियाँ कहते हैं, यानी वॉइड्स कहते हैं। एक्चुअल में टू टाइप्स के वॉइड्स होते हैं, यानी रिक्तियाँ दो प्रकार की होती है। पहला चतुष्फलक रिक्तियाँ, दूसरा अष्टफलक रिक्तियाँ। चतुष्फलक रिक्तियाँ को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं और अष्टफलक रिक्तियाँ को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर चतुष्फलक रिक्तियाँ किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसको जो है हम अपनी भाषा में। देखिए कैसे समझेंगे। चतुष में जो है एगो च अक्षर आ रहा है। चतुष मीन्स चार होता है, आपको मालूम है। तो चार गोलों के परस्पर जुड़ने से उनके बीच जो रिक्त स्थान की उत्पत्ति होती है उसी रिक्त स्थान को हम लोग चतुष्फलक रिक्तियां कहते हैं। जैसे हम जो हैं तीन गो जो है गोला ले लिए, ये जो है फिगर बनाया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा समझाते हैं हम। हमने एक प्लेट लिया, उस प्लेट में तीन गो जो है लड्डू को सटा सटा के जो है हम रख दिए। लड्डू देखे हैं, एकदम देखे होंगे, ऐसे तीन गो लड्डू को जो है हम लोग सटा के रख दिए। ये मान के चलिए प्लेट है और तीन गो लड्डू जो है ऐसे हमने सटा सटा के रख दिया। अब बीच में उसके ऊपर भी तो एक गो लड्डू हम लोग रख सकते हैं ना, तो ये चार गो हो गया। लेकिन तीन गो पहले रखें उसके ऊपर एक गो रखें, तो नीचे से प्लेट हटाएंगे तो देखेंगे कि जो है छेदा नजर आ रहा है, उसी छेदा को हम लोग कहेंगे चतुष्फलक रिक्तियाँ। बात समझ में आई। चार गो क्रिस्टल के गोला को परस्पर जोड़ने से जो रिक्त स्थान की उत्पत्ति होती है उसी रिक्त स्थान को चतुष्फलक रिक्तियाँ कहते हैं। अब समझ गए। तो आइए अब अष्टफलक रिक्तियाँ को समझते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहा जाता है। अष्ट मतलब कि आठ गो गोला के नहीं जोड़ेंगे, आठ गो के नहीं छः गो गोला के जोड़ेंगे। यानी छः गो गोला के जोड़ने से जो उसमें रिक्त स्थान की उत्पत्ति होती है उसी रिक्त स्थान को हम लोग अष्टफलक रिक्तियां कहते हैं। तनी समझते हैं कैसे। देखिए हम जो हैं तीन गो गोला, एकदम तीन गो लड्डू ले लिए और प्लेट में जो है एकदम बढ़िया से सजा दिए। अगर इसके बीच में एगो रख देंगे तो
चतुष्फलक रिक्तियां बनेगा, लेकिन एगो जो है ये दोनों लडुआ के बीच में एगो रख दिए, आ फिर जो है एगो ये दोनों लडुआ के बीच में रख दिए, आ एगो जो है इस लडुआ के बीच में रख दिए, यानी तीन गो लडुआ के ऊपर तीन गो लड्डू हम सरिया दिए। हई देखिए तो हई बीच में जो है एगो बना है, का बना है, रिक्ति बना है, खाली स्थान बना है, जिसे हम लोग छेदा भी कहते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे अष्टफलक रिक्तियां, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। आपको समझ में आया रिक्तियां किसे कहते हैं, रिक्तियां कितने प्रकार की होती है, ये आप समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत मज़ेदार टॉपिक्स है कि सीमित पैकिंग संरचना में, सीमित पैकिंग संरचना का इंग्लिश क्या होता है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग चतुष्फलक रिक्तियां और अष्टफलक रिक्तियों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए सरल घनाकार इकाई सेल या आग्र इकाई सेल में कण कितना होता है, तो हम निकाले लग पीछे आपको सिखा चुके हैं, एक होता है, आप बोलेंगे, फिर कहेंगे बीबीसी मतलब कि अंतः केंद्रित इकाई सेल में कण के गो होता है, तो आप कहेंगे दो गो, तो ये सब तो हम निकाले ला आपको सिखा दिए हैं, पूरा 5-6 गो वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, देखिए तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो जो लोग देख चुके हैं ये सब समझ गए हैं कि सरल घनाकार इकाई सेल में कण के गो होता है, एगो होता है, बीसीसी मतलब कि बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, हिंदी में अंतः केंद्रित इकाई सेल, इसमें जो है दो गो कण होता है। ये कैसे होता है, रटना नहीं है, निकाले ला हम सिखाए हैं आपको। यहाँ पे एफसीसी फेस सेंट्रेड यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, इसमें जो है 4 गो कण होता है। और यहाँ पे ईसीसी इंड सेंट्रेड यूनिट सेल, अब इसका जो है अंत्य केंद्रित इकाई सेल हिंदी होता है, इसमें जो है 2 गो कण होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि के गो कण है तब तो आप बता देंगे, लेकिन यही क्वेश्चन जो है आपसे घुमा के पूछा कि बताइए सरल घनाकार इकाई सेल यानी कि आग्र इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में जो है हम लोग HCP शॉर्ट नेम से जानते हैं, यानी कि सिंपल क्लोज्ड पैकिंग, इसमें जो है अष्टफलक रिक्तियां बताइए के गो होता है। तो आपको थोड़ा समझाते हैं, जे गो कण होता है उतना ही जो है ओकर अष्टफलक रिक्तियां होती है, यानी कि सरल घनाकार इकाई सेल के एगो कण होता है तो अष्टफलक रिक्ति भी जो है एगो होगा। अगर बीसीसी में 2 गो कण होता है तो एकर जो है अष्टफलक रिक्ति भी जो है 2 गो होगा। अगर जो है एफसीसी में 4 गो कण होता है, ये देखिए 4 गो कण, तो इसका अष्टफलक रिक्तियां भी जो है 4 गो होगा। आगे ईसीसी में अगर 2 गो कण है तो एक अष्टफलक रिक्ति भी जो है 2 गो होगा। अब आपसे कोनो पूछे बताइए एफसीसी में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितना होती है, तो 4 गो, काहे कि जितना कण उतना ही जो है अष्टफलक रिक्तियां। लेकिन 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 पूछा कि चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या बताइए, कह दिया कि बताओ तो सरल घनाकार इकाई सेल मतलब एससीपी में ये जो है चतुष्फलक रिक्तियां के गो होता है, तो जे गो कण होता है ओकर दुगुना जो है चतुष्फलक रिक्तियां होता है। एससीपी में जो है के गो कण है, एगो कण है, तो एगो के दुगुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, यानी चतुष्फलक रिक्तियां जो है आग्र इकाई सेल में या सरल घनाकार इकाई सेल में 2 गो होगा। अगर आपसे पूछे बीसीसी में चतुष्फलक रिक्तियां के गो है, तो 2 गो कण होता है आ जितना कण होखे ओकर दुगुना जो है चतुष्फलक रिक्तियां होगा, यानी कि 4 जो होगा का होगा बीसीसी में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होगी। यहाँ पे एफसीसी में पूछे 4 गो कण होता है तो एक और दुगुना जो है 8 गो चतुष्फलक रिक्तियां होगा। अगर ईसीसी में कहे
तो आपको चतुष्फलक रिक्तियां कितना आपको मालूम चलेगा, तो दू गो है तो दू से दू में गुना करेंगे यानी कि चार गो चतुष्फलक रिक्तियां होगा। अब आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछता है कि अष्टफलक रिक्तियां और चतुष्फलक रिक्तियां में क्या संबंध है। तो अष्टफलक रिक्तियां जो है वो का संबंध आपको बताना है, वो थोड़ा समझिए। तो आपको संबंध बताना है कि अष्टफलक रिक्तियां से दुगुना होता है चतुष्फलक रिक्तियां, यानी कि अष्टफलक रिक्तियां अगर एगो होखे तो चतुष्फलक रिक्तियां दुगो होगा, अगर अष्टफलक रिक्तियां जो है 1000 होखे तो चतुष्फलक रिक्तियां जो है 2000 होगा, अगर अष्टफलक रिक्तियां 1 करोड़ होखे तो चतुष्फलक रिक्तियां 2 करोड़ होगा। बात समझ में आया, ये दोनों में संबंध का है। तो अष्टफलक से हमेशा जो है चतुष्फलक दुगुना रहता है, ये जो है दोनों में संबंध है। आ कहेगा कि इसका अनुपात का होता है अष्टफलक रिक्तियां आ चतुष्फलक रिक्तियां के, तो अष्टफलक रिक्तियां अगर पहले लिखेंगे तो ओकर 1 होगा आ चतुष्फलक रिक्तियां बाद में लिखेंगे तो एकर 2 होगा, यानी कि 1:2 होता है अष्टफलक रिक्तियां बराबर चतुष्फलक रिक्तियां। आ कहेगा कि चतुष्फलक रिक्तियां और अष्टफलक रिक्तियां के अनुपात बताइए, तो पहले चतुष्फलक बोला है तो चतुष्फलक दुगुना होता है, आ बाद में अष्टफलक बोला है तो 1 होता है, यानी कि 2:1 होता है। बातें समझ में आ गई, का संबंध है, वेरी गुड। अब जो है नेक्स्ट, हमने आपको बताया था शुरू में ही कि यौगिक का सरल सूत्र हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे प्रश्न आपके दिए गए होंगे, या तो एग्जाम में आएंगे ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में। प्रश्न आपसे पूछेगा कि ए है, बी है और सी है, 3 गो तत्व से एगो यौगिक जो है घनाकार जालक बनाता है। घनाकार जालक आपको बनाने आता है ना, एगो जो है पहले डब्बा बनाएंगे और फिर जो है दूसर का डब्बा बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टल बनाता है। ए के परमाणु क्रिस्टल जालक के कोनों पर है, यानी ए के जो परमाणु है वो कहाँ है, तो कोना पे है। कोना पे यहाँ पे ए है, ए है, ए है, फिर ए है, और यहाँ पे ए है, फिर ए है, ए है, आ ए है, 8 गो हुआ कोना पे। अब देखिए बी के परमाणु केंद्र में है, केंद्र मतलब कि बीच में, बी जो है केंद्र में है। आ कह रहे हैं कि सी के परमाणु फलक पे हैं, सी वाला जो परमाणु है वो फलक पे है। फलक मतलब समझते हैं, 6 गो जो है फलक होता है, तो ये 6 गो जो है फलक में सी हैं। यौगिक का हमें सूत्र ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, आइए सिंपल सी भाषा में इसको समझते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको भी देंगे, आप भी बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। देखिए जब कह रहा है कि ए के परमाणु क्रिस्टल जालक के कोना पे है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिखेंगे और यहाँ से सॉल्यूशन देना स्टार्ट करेंगे। ए के परमाणु कोना पर है, ए के परमाणु कोन पर है, कोन पर है, तो के गो होता है कोना पे परमाणु, देखिए ए के गो है, गिनिए तो 8 गो है। आ कोना पर वाला के हम लोग काची से सूचित करते हैं, तो सूचित करते हैं हम लोग 1/8 से। अब इसको काटेंगे सर, कितना आया, ए आया, यानी कि ए बराबर हमको 1 प्राप्त हुआ। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है बी के परमाणु केंद्र में है, अब बी के परमाणु जो है वो कहाँ पर है, तो केंद्र में है, केंद्र में है। अब आइए तने इसको, केंद्र में के गो है, बी आपको के गो नजर आ रहा है, एगो, केंद्र में के गो होता है 1, आ केंद्र में जो रहता है तो उसको 1/1 से सूचित करते हैं, यानी 1/1। अब 1 कट गया
तो बचा कितना जी, एक बचा, यानी कि b के मान जो है एक आया। अब देखिए कह रहा है c के परमाणु इसी है, c के परमाणु फलक पर हैं। c आपको के गो नजर आ रहा है, देखिए c के परमाणु कहाँ है, फलक पे हैं। फलक जो है कितना होता है, तो फलक छह गो होता है, तो आप लिखेंगे छः। आप फलक पे जब रहता है, देखिए सी छः को नजर आ रहा है, फलक पर जो होता है उसको एक बटा दो से हम सूचित करते हैं, एक बटा दो, तो यहाँ से ऐसे तीन कट के आएगा या तीन बचा। अब सी के मान आया तीन, अब इसको सजाते हैं, ए के मान आया एक तो एक लिखेंगे, बी के मान आया एक तो एक लिखेंगे देखिए, आ सी के मान आया तीन। यह हो गया सरल सूत्र, इसको जो है एक हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी आ सी थ्री, ई हो गया एंसर, सरल सूत्र। ठीक है, अब आपको हम एक प्रश्न दे रहे हैं जो आपको बना के आना है, बड़ी मजेदार प्रश्न है। देखिए प्रश्न, एक घनाकार ठोस है, ठीक है ना, ये जो है प्रश्न है, एक घनाकार ठोस पदार्थ है जो P और Q दो तत्वों से बना है, दो तत्वों से बना है, Q जो है परमाणु के कोना पे है, Q जो है कोना पे है, आ P जो है परमाणु घन में पिंड केंद्रित है, पिंड केंद्रित मतलब कि केंद्र पे है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, आपको आंसर देना है। ठीक है, और आगे हम आपको बताएं कि अगर आप केमिस्ट्री के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से जो है एगो एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें 101 रुपए में जो है पूरे केमिस्ट्री का कोर्स जो है अवेलेबल है, पूरे साल भर के लिए 101 रुपया में क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नोट्स, सब्जेक्टिव नोट्स, ये सभी जो हैं प्रोवाइडेड हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।